हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए गाइस, आज हम बनाते हैं सेवई की खीर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जलाएंगे गैस, और गैस पे हम रखेंगे दूध। दूध को ढक देंगे और इसे उबलने देते हैं। तब तक हम दूसरे गैस पे अपनी सेवई भूनकर तैयार कर लेते हैं। पैन को गर्म होने देते हैं। देखिए हमारा पैन गर्म हो चुका है, इसमें डालते हैं घी। घी को मेल्ट होने देते हैं। देखिए गाइस, हमारा घी मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम डालते हैं अपनी ये सेवई। और इसे हम भून लेते हैं। ये देखिए हमारी सेवई गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, ये देखिए। चलिए हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने इसे निकाल लिया है और इसका दूध देख लेते हैं। ये देखिए दूध हमारा अभी उबल नहीं रहा है, इसे उबलने देते हैं। दूध को उठा के इस गैस पे कर लेते हैं। ये देखिए हमारे दूध में उबाल आ गया है। चलिए हम इसमें अपनी ये सेवई डाल देते हैं। और इसे चला देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। यह है काजू और बादाम बारीक कटा हुआ, इसे में डाल देते हैं। और यह है गरी का लच्छा, इसे भी हम इसी में डाल देते हैं। और इसे अब हम पकने देते हैं। पूरा नहीं ढकेंगे, बस थोड़ा सा ढककर इसे हम पकाएंगे। इसे अब हम पकने देते हैं मीडियम फ्लेम पे। चलिए गाइस, इसे हम खोल कर देख लेते हैं। ये देखिए अब इसमें हम डाल देते हैं ये आधी कटोरी चीनी। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, ये देखिए। और इसे हम 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। चलिए गाइस, इसे हम खोल कर देख लेते हैं। ये देखिए अब इसमें हम डाल देते हैं ये किशमिश और 2 हरी इलायची कुटी हुई। इसको बनाने में गाइस ज़्यादा समय नहीं लगता है। देखिए अगर आप चाहें तो सेवई को भून कर किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दें और फिर जब मन करे तब आप सेवई बना लें, वो और जल्दी बन जाता है। ये देखिए इसे हम 1 मिनट के लिए और पका लेंगे, ढकेंगे नहीं इसे हम। चलाया करेंगे कि नीचे लगे ना। देखिए गैस अभी ये बन चुका है। चलिए गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे हम सर्व कर लेते हैं। चलिए गैस इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए गैस हमारी सेवई बनकर तैयार है। ये देखिए कितनी अच्छी सेवई बनी है। ये देखिए गैस, ये देखिए
तो गाइस आप भी इसे बनाइए, खाइए और हमें बताइए कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर गाइस आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।